राती भर नींद नहीं आई, वृक्ष के नीचे धूल में सर के नीचे बाजू रख करके रात भर कर रहता रहा अपने हृदय की वेदना पर। अंत में भीतर से आवाज आई, उसकी आत्मा की पुकार, गांव गांव क्यों भटकूं पशुवत, लाभ ना सोने खाने में, भजन करूं जा जगन्नाथ पुरी, भला ना समय गवाने में। पिता ने कहा था, बेटा जब धीरज छोड़ने लगे दिल तो जगन्नाथ भगवान के आगे रो देना। वो जगन्नाथ सबका नाथ है, उसके होते कभी कोई अनाथ नहीं हो सकता। पिताजी ने दो ही बातें तो मुझको समझाई थी जाते समय, एक ये कि किसी का कर्जा लेके मरना नहीं चाहिए, मेरा बेटा सब कर्जा चुका देना, वो तो मैंने काम कर दिया। पिताजी ने दूसरी बात जाते जाते ये भी कही थी कि जब दुख से घबरा करके हृदय जब धैर्य छोड़ने लगे तो जगन्नाथ भगवान को याद करना, वो सबका नाथ है। मन में विचार करने लगा, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, रोटी मांग मांग के खा रहा हूं, सो जाता हूं, क्या खाने सोने के लिए ही मानव जन्म मिला था। चलो जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में। सुबह उठा फिर चला पुरी को, पहुंच गया 32 दिन में, मंदिर में जा दर्शन कर फिर करी प्रार्थना मन मन में, मंदिर में जा दर्शन कर फिर करी प्रार्थना। 32 दिन का रास्ता था, जहां पर वो था वहां से पैदल चल दिया उड़ीसा जगन्नाथपुरी। समुद्र के तट पर भगवान श्री कृष्ण का विशाल मंदिर है, चार धाम में एक धाम है जगन्नाथपुरी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के चारों दिशाओं में चार धाम है। उत्तर में बद्रीनाथ, ये सत्यु का धाम है। दक्षिण में रामेश्वरम, ये त्रेतायुग का धाम है। पश्चिम में द्वारिकापुरी गुजरात में, ये द्वापर युग का धाम है। और पूर्व में जगन्नाथपुरी, ये कलयुग का धाम है। जहां लेटा था वहां से 32 दिन का रास्ता था, पैदल 32 दिन में पहुंच गया जगन्नाथपुरी और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपके सिवा अब मेरा कोई नहीं, मैंने आपके द्वार को अपना द्वार मान लिया, अब ये ठिकाना मेरा है, मुझको अपने द्वार से दूर ना करना। आया हूं दर पे तेरे, आया हूं दर पे तेरे स्वामी जगन्नाथ, जीवन की अब डोर सौंपती आज तुम्हारे हाथ, जीवन की अब डोर सौंपती आज तुम्हारे। अब डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ, जीवन की अब डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ।
अब डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ, जीवन की अब डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ। आया हूँ दर पे तेरे, आया हूँ दर पे तेरे स्वामी जगन्नाथ। जीवन की अब डोर सौंप दी आज तुम्हारे, अब डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ, जीवन की अब डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ। आया हूँ दर पे तेरे, आया हूँ दर पे तेरे स्वामी जगन्नाथ। जीवन की अब डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ, अब डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ। जीवन की अब डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ, जीवन की अब डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ। स्वीकारो चाहे त्यागो मुझको, सुन लो मेरा तुझ बिन और नहीं है। तू ही बताया बजाऊं कहां, मिले ठिकाना मुझे जहां, अपने दर पर रख लो स्वामी दो संतों का साथ। जीवन की अब डोर सौंप दी आज तुम्हारे हाथ, मात पिता परिवार सभी कुछ मेरे तुम हो स्वामी।
माता पिता भाई बंधु परिवार स्वजन स्नेही सुहृद मेरे सब कुछ आप हो। भगवान से प्रार्थना की, करुण भरी पुकार में शक्ति अपरंपार, तज देते वैकुंठ हरि सुनकर करुण पुकार। नेत्रों से अश्रु विसर्जित करता वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था, उसके हृदय की करुण पुकार। ये रघुनाथ अनाथ अरक्षित, हे प्रभु, कहने के लिए तो मेरा नाम रघुनाथ है, लेकिन मेरा नाम तो रघु अनाथ होना चाहिए, मेरा नाम तो रघु आरक्षित होना चाहिए। ये रघुनाथ अनाथ आरक्षित और जगन्नाथ रक्षक हो तुम, मात पिता परिवार न कोई, मेरे संरक्षक हो तुम। मात पिता परिवार न कोई, मेरे संरक्षक हो तुम। प्रभु, ये रघु अनाथ अरक्षित आपकी शरण में आया है, चाहे तो आप अपना संरक्षण दे करके इसको रक्षा प्रदान करें। आप जगन्नाथ हैं तो मैं भी जगत का एक जीव हूं, तो इस नाते से आप मेरे स्वामी हो, मेरे नाथ हो। आपके होते अगर मैं अनाथ रह गया तो फिर आपको जगन्नाथ कौन कहेगा। पापी हूं तो क्या हुआ, तेरे दर पे तो मैं आ गया। मैं जानता हूं कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए होंगे, तभी ये दंड मुझको मिला है। पापी हूं तो क्या हुआ, तेरे दर पे तो मैं आ गया, क्या रहेगी महिमा दर की जो मैं रोता रह गया। आप मेरे नाथ हैं, आ मुझको संरक्षण दो, अपने द्वार पर मुझको रख लो। रो रो करके प्रभु से मन ही मन इस प्रकार से वार्तालाप कर रहा था। उसी समय एक बड़ा विचित्र खेल हुआ। इसको ऐसा लगा कि मानो जगन्नाथ जी मुझसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, पलकें झपक रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। थोड़ा पास गया तो उसको सुनाई भी दिया कि भगवान कह रहे हैं क्या। रघु को ऐसा लगा कि मानो हाथ उठा प्रभु बोल रहे, निर्भय बसो यही लो भोजन, मन भक्ति रस घोल रहे। निर्भय बसो यही लो भोजन, मन भक्ति रस घोल रहे। जब चिंतन हरि दर्शन करना रह गया मंदिर में, वहां मंदिर में भगवान के हाथ ऐसे हैं। सब मंदिरों में देखो भगवान के हाथ ऐसे होते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान के हाथ बंसी नहीं है, ऐसे हाथ नहीं है, बल्कि इस प्रकार से हाथ है, मानो आलिंगन करने के लिए, गोद उठाने के लिए मचल रहे, प्यार करने के लिए, अम्ब्रेस करने के लिए, आलिंगन दान करने के लिए, अपने हृदय से चिपकाने के लिए, अपने कंठ से लगाने के लिए मानो हाथ आगे किए। उसको लगा कि मानो भगवान आगे हाथ करके इशारा कर रहे कि आओ मेरे पास आओ, यही मंदिर में रहो, यहीं पर मेरा प्रसाद ग्रहण करो, मैं तुम्हारा नाथ हूं। उसको ऐसा सुनाई दिया, रह गया मंदिर में। जब चिंतन हरि दर्शन करना एक यही बस काम रहा, भूल गया पिछले सब सुख दुख, नहीं मन में कुछ ध्यान रहा। भूल गया पिछले सब सुख दुख, नहीं मन में कुछ ध्यान रहा। मन संतोष हुआ
अति नशे में डूब गया दिल, पत्नी तक की याद नहीं। अति नशे में डूब गया दिल, पत्नी तक की याद नहीं। इसकी जो ससुराल थी रघु की कलावतीपुर में, वहां के लोग जगन्नाथ जी के उपासक थे और नगर से कोई ना कोई जगन्नाथपुरी जाता ही रहता था। अन्नपूर्णा के पिता गंगाधर कर्ण सेठ को समाचार मिल गया कि मेरा जो जमाई है वो जगन्नाथपुरी रहता है, बाबा जी हो गया। मन हटा दिया जमाई से, कोई बात नहीं, अच्छा कलेश कटा, अब हम अपनी लाडली का दूसरा विवाह करेंगे। रघु का समाचार जब पहुंचा ससुर सेठ गंगाधर को, अन्नपूर्णा योग्य पिता ने ढूंढ लिया दूजे वर को। अन्नपूर्णा योग्य पिता ने ढूंढ लिया दूजे वर को। वसु नामक मंत्री का बेटा, उसने भी स्वीकार किया। विवाहिता को फिर से ब्याहना उसने भी स्वीकार किया। वो कंवारा था लड़का, मंत्री का बेटा था ये नगर सेठ गंगाधर, जिस राजा के यहां सरकारी कर्मचारी थे उसी राजा के मंत्री का बेटा वसु, जिसका नाम था। इसकी सुंदरता को देख करके दीवाना हो गया था अन्नपूर्णा की, लेकिन जब इसको लगा पता कि विवाहिता है, वहां से मन हटा लिया। लेकिन गंगाधर सेठ ने, अन्नपूर्णा के सातों भाइयों ने कैसे भी वसु को मना लिया, वसु तैयार हो गया, उसका पुराना प्यार फिर जग गया, स्वीकार कर लिया विवाहिता के साथ विवाह करना। इतना ही नहीं, तिथि विवाह की निश्चित हो गई, शुक्ल पंचमी फागुन की। सहम गई सुन अन्नपूर्णा, समझे कौन सती मन की। सहम गई सुन अन्नपूर्णा, समझे कौन सती मन की। जब लगा पता अन्नपूर्णा को कि मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे पारिवारिक जन मेरा दूसरा विवाह करना चाहते हैं, सहम गई, मंत्री के बेटे वसु से मेरा विवाह करना चाहते हैं और मेरे पिता ने मेरे बिना पूछे फागुन की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मेरा विवाह निश्चित भी कर दिया। मन ही मन बोली व्याकुल हो, हे हरि सर्वांतरयामी, दूजा ब्याह नहीं कर सकती, वही रहेंगे एक स्वामी। दूजा ब्याह नहीं कर सकती, वही रहेंगे एक स्वामी। मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती, मेरे जो पति हैं वही रहेंगे, वो चाहे मुझको छोड़कर सन्यासी बन जाए, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। विपद पड़ी थी भारी पति पर, मेरा भार ना और बढ़े, इसलिए नैहर चली आई, उन पे ना कोई जोर पड़े। इसलिए नैहर
चली आई, इन पे ना कोई जोर पड़े। प्रभु मैं तो अपने पति को छोड़कर अपने परिवार के साथ इसलिए यहाँ पर आ गई थी कि मेरे पति पर मेरा जोर ना पड़े, मेरा भार ना पड़े, क्योंकि अब इनके पास ना खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना। मैं अगर अपने पति के साथ रहूंगी उन पे और भार पड़ जाएगा। मैं तो ये सोच करके कुछ दिन के लिए मायके आ गई थी कि मेरे पति को फिर मेरी भी चिंता करनी पड़ेगी, अकेले तो कहीं भी सो जाएंगे, मुझको संग में रख करके और परेशान हो जाएंगे। चलो कुछ दिन मायके चली जाती हूँ, जब दिन बदलेंगे, क्योंकि सब दिन होता ना एक समान, आ जाऊंगी। लेकिन जब रघु ने संदेशा भेजा था तो उनके घर वालों ने जाने नहीं दिया अपने बेटे को, हम उस भिख मंगे के साथ तुमको नहीं भेजेंगे। पति को गलत फहमी हो गई कि मेरी पत्नी मुझको विपत्ति में छोड़कर चली गई, पत्नी भी मेरी हो नहीं सकी। लेकिन उसकी पत्नी पतिव्रता थी, वो इसलिए चली गई थी कि मेरे पति के ऊपर भार ना पड़े मेरा, उनको और परेशानी और कहीं विपद में ना पड़ना पड़े मेरे कारण से। कुछ दिन मायके रह लेती हूँ। भगवान से, जगन्नाथ भगवान से कहा, प्रभु आप सब मेरे मन की जानते हैं, भली मैं अपने पति से दूर हो गई, मेरी मजबूरी थी, वो भी पति की खुशी के लिए, लेकिन मेरे पति मुझको छोड़ करके आपके पास आ गए हैं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती। मुझे क्या पता ये निर्णय ही महाविपद बन जाएगा, मृत्यु से दुगना दुख देकर मुझको कभी रुलाएगा। कुछ भी छिपा नहीं है, किस्मत की ठुकराई हूँ, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है, किस्मत की ठुकराई हूँ। जाऊं कहाँ, करूं क्या, अब मैं कहूं किसे दुख को निहारे, तुम बिन इस दुखिया दासी के बिगड़े कारज कौन करे, तुमने इस दुखिया दासी के बिगड़े कारज कौन करे। नहीं जीऊंगी व्यभिचारिणी बन, सती होकर मर जाऊंगी, सती धर्म का त्याग करूं नहीं, सूली पे चढ़ जाऊंगी, सती धर्म का त्याग करूं नहीं, सूली पे चढ़ जाऊंगी। हे हरि इस विपदा सागर से मेरा अब उद्धार करो, दुखिया अबला सती नारी की विनती को स्वीकार करो, दुखिया अबला दिन रात भगवान से प्रार्थना करती। जगन्नाथ ठाकुर मेरी लाज आपके हाथ में है, मैं मर जाऊंगी लेकिन दूसरा विवाह नहीं करूंगी, मेरे पति जो हैं वही रहेंगे, भले वो मुझको भूल गए, भले वो भूल जाएं, लेकिन मैं अपने सती धर्म को, अपने पतिव्रत धर्म को नहीं भूलूंगी, मैं मरना स्वीकार करूंगी लेकिन अपने पति के होते दूसरा विवाह स्वीकार नहीं करूंगी, मुझको ऐसी खुशियां नहीं चाहिए। लेकिन अपने दिल की बातों किसी से कह नहीं पाती थी, किसको कहे, घर वाले जब उसका विवाह करना चाहते हैं तो किससे अपनी शिकायत करें। इस प्रकार दिन रात अकेली बैठी रोती रहती थी, रो रो कर वह मन ही मन में
प्रभु से मन की कहती थी। रो रो कर वे मन ही मन में प्रभु से मन की कहती थी। खाना पीना हंसना उनको कुछ भी मन नहीं भाता था। रातों रो जागा करती थी कुछ भी नहीं सुहाता था। घर की एक सयानी दासी पाला था जिसने इनको। ले जाकर एकांत बताई दर्द कहानी फिर उनको। इनके घर की एक सेविका थी, बड़ी बूढ़ी थी। उन्हीं के सामने अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। उसी ने गोद में खिलाया पिलाया, उसको बड़ा किया। उसी के लाड़ प्यार में अन्नपूर्णा पली थी। अन्नपूर्णा से विशेष स्नेह वो दासी रखा करती थी। एक दिन एकांत में जाकर के दासी के चरणों में मस्तक रख दिया। अरे बेटी तू ये क्या कर रही है? अपनी सेविका के हृदय से लग करके रोने लगी। दासी ने कहा कि बेटी मैं जानती हूं तुम्हारे दिल की, तुम्हारे आंसुओं का मर्म मैं समझती हूं, मैं जानती हूं तेरे स्वभाव को। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं जो तुमको स्वीकार नहीं। तुम्हारे पति तुमको भूल चुके हैं, छोड़कर जगन्नाथपुरी जा चुके हो, बाबा जी हो गए हैं। मैं तेरे दुख को बेटी भली प्रकार से समझती हूँ, लेकिन मैं लाचार हूं। मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? कैसे मैं तुम्हारा दुख दूर करूं? कैसे मैं तुम्हारा दुख मिटाऊं? उसने कहा और कहा यदि जगन्नाथपुरी जाने वाला मिल जाए एक पत्र स्वामी को भेजूं तब मेरा दिल खिल पाए। कहा हाय माँ से, जगन्नाथपुरी नगर से कोई ना कोई जाता रहता, कोई मिल जाए आप जरा देखो, मैं एक पत्र अपने प्रीतम पति के नाम लिख देती हूँ, जाने वाले यात्रियों को भक्तों को पत्र मेरा दे दो, बस यही मेरी सेवा करो। मेरे हृदय की कहानी को जब तक मेरे पति समझेंगे नहीं तब तक को मेरे भाव को कैसे समझ पाएंगे? हो सकता है उन्होंने इसलिए मेरा त्याग कर दिया, वो सोच रहे होंगे कि मुझको छोड़ करके अपने नैहर माता पिता के पास चलेगी, उसको मेरी कोई चिंता नहीं। मैं उनको एक बार बता देना चाहती हूँ कि मैंने जो आपको छोड़ा आपकी खुशी के लिए छोड़ा था। मैं अपने दिल की पूरी बात उनको बता देना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? मैं पत्र लिख देती हूँ, इस पत्र को जाने वाले यात्री को दे देना, भक्तों को दे देना, मेरे पति तक मेरा समाचार पहुँच जाए। उसके बाद उनकी चाहे वो आकर के मुझे ले जाएं और चाहे मरने के लिए मुझको छोड़ दे, लेकिन एक बात सत है, मेरी शादी का जो दिन रखा है मेरे परिवार वालों ने फागुन की शुक्ल पक्ष की पंचमी, वो मेरे विवाह का दिन नहीं, वो मेरी मौत का दिन होगा अगर मेरे पति मुझको यहां से नहीं ले गए। उसी समय उसने पत्र लिखा, हे प्राणेश्वर
पंचम को मेरे ब्याह की तिथि भी तू शोध धरी है। हे प्राणेश्वर जीवन धन इस दासी पे अब विपद पड़ी है। हे प्राणेश्वर इस दासी पे करुणा करके पढ़ संदेश तुरंत चले आना। इस दासी पे करुणा करके पढ़ संदेश तुरंत चले आना। इस दासी पे करुणा करके पढ़ संदेश तुरंत चले चले आना। नियत समय के
दासी पे करुणा करके पर संदेश तुरंत चले आना। दासी पे करुणा करके पर संदेश तुरंत चले आना, पर संदेश तुरंत चले आना, पर संदेश तुरंत चले आना। लिखा कुछ दासी को मौखिक रूप से समझाया। रो रो कर सती ने दासी को मन की सारी बात कही, हृदय व्यथा सुन दासी के भी नैनों से जलधार बही। हृदय व्यथा सुन दासी के भी नैनों से जलधार बही। दासी को पत्र दे और कहा कि मेरे पति जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार में भिक्षा लेकर के उदरपूर्ति करते हैं, वहां पर वो रघु अरक्षित के नाम से जाने जाते हैं। पूरी उसने पहले से इंक्वायरी कर ली थी यात्रियों के द्वारा। दासी पत्र लेकर जाने वाले यात्रियों के पास पहुंची, पहले पता लगा कि कौन आजकल जा रहा। आजकल में जगन्नाथपुरी लगा पता कि दो चार दिन में कुछ लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। गई, उनको पत्र दिया, दासी ने जा पत्र दे दिया, बात कही समझा करके, सबने दिया भरोसा उनको अवश्य मिलेंगे जा करके, सबने दिया भरोसा उनको अवश्य मिलेंगे जा करके। रास्ता बहुत लंबा था, पैदल यात्री, एक महीने का पैदल का रास्ता था। पहुंच गए यात्री पत्र लेकर जगन्नाथपुरी के मंदिर में, दर्शन किए, 15 दिन पहले पहुंचे। पत्र लेकर के 15 दिन पहले पहुंचे, विवाह की जो तिथि थी शुक्ल पक्ष की पंचमी। प्रभु का विचित्र खेल, पहले मिला ही नहीं, कई दिन तक ढूंढते रहे इधर, थोड़े दिन बचे, पहुंच गए सब भक्तपुरी में कृष्ण पंचमी फागुन को। पूछ पूछ सब हार गए पर ढूंढे मिला न रघु उनको, पूछ पूछ सब हार गए पर ढूंढे मिला न रघु उनको। 15 दिन बचे हैं विवाह के, फिर कई दिन लग गए। कई दिन के बाद, कई दिन बाद अचानक मिल गया, सिंह द्वार पर खड़ा हुआ, कंठी तिलक हाथ में माला, नशा भक्ति का चढ़ा हुआ, कंठी तिलक हाथ में माला, देखा गले में तुलसी की कंठी, माथे पे गोपी चंद्र द्वादश तिलक, हाथ में माला झोली लिए जप कर रहा था, सिंह द्वार पर खड़ा। पहचान लिया, बड़ी मुश्किल से पहचान में आया। मिलकर हाल चाल पूछा, फिर पत्र हाथ में पकड़ाया, दासी ने जो समझाया था सभी खोल कर बतलाया, दासी ने जो समझाया था सभी खोल कर बतलाया। जो जो दासी ने समझाया वो सब का सब ज्यों का त्यों रघु को बता दिया कि तुम्हारी पत्नी पति व्रता है, वो तुम्हारी बाट निहार रही है। अगर तुम पत्नी को लेने नहीं पहुंचे तो उसके विवाह का दिन नहीं बल्कि उसकी मृत्यु का दिन होगा। पूरी बात खोलकर बता दी, बताकर यात्री चले गए।
उनके बाद में इसने पत्र खोल के पढ़ा। सबके जाने पर फिर उनको हुआ पत्र पढ़ दुख भारी, बहने लगे नैनों से आंसू देख देख निज लाचारी, बहने लगे नैनों से आंसू देख देख निज लाचारी। रात हो चुकी थी, मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे, पट बंद हो चुके थे, पुजारी अपने अपने स्थानों पर जाके सो चुके थे, यात्री भी वहां से जा चुके थे। अकेला एक सप्ताह में कैसे पहुंच पाऊंगा, एक महीने की यात्रा एक सप्ताह में कैसे मैं तय कर पाऊंगा, कैसे मैं अन्नपूर्णा तक पहुंचू, कैसे ससुराल तक पहुंच पाऊंगा। सिंह द्वार से दौड़ा हुआ भगवान के द्वार पर गया, पट बंद हो चुका था, सब जा चुके थे, सर्ग लगा पटकने, प्रभु अन्नपूर्णा को बचा लो, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं भी उसका अपराधी हूं जो उस पतिव्रता को छोड़ करके यहां गया हूं। वो पतिव्रता है, प्रभु कैसी भी करके उसको बचा लो बाप, मेरा तो बस नहीं चल सकता, आप जगन्नाथ हैं, आपके हाथ बहुत लंबे हैं, आज तक मैंने कुछ भी आपसे नहीं मांगा, आज पहली बार उस सती साध्वी के प्राणों की रक्षा मांग रहा हूं, प्राणों की भीख मांग रहा हूं। यदि मैं वहां पहुंच नहीं पाया वो मर जाएगी, वो उसके विवाह का दिन नहीं होगा बल्कि उसकी मृत्यु का दिन होगा। लेकिन कोई आवाज भीतर से नहीं आई, ठाकुर जी की तरफ से, ठाकुर जी को शयन करा चुके थे, भगवान भीतर सो रहे हैं। दरवाजे खटखटाने लगा, बेबस होके गिर पड़ा, रोने लगा, भगवान से कहने लगा प्रभु जगो, मेरी पुकार सुनो। जागो जागो, जागो 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 जगन्नाथ जी, जागो जागो जागो। जागो जागो जगन्नाथ जी, रो रो रघु पुकारे, इस दुख से मेरे स्वामी अब तुझ बिन कौन उबारे, अब तुझ बिन कौन उबारे। जागो 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 जगन्नाथ जी, जग में को हमार किसको जाए पुकारो, किसको जाए पुकारो, तुझ बिन जग में कौन हमार किसको जाए पुकारो, किसको जाए पुकारो, कौन बचाएगा संकट से किसकी
कुछ पास न मेरे, देखो ये मजबूरी, देखो ये मजबूरी, घोड़ा रथ कुछ पास न मेरे, देखो ये मजबूरी, देखो ये मजबूरी, कैसे महीने में पहुंचूंगा इतनी लंबी दूरी, इतनी लंबी दूरी, पैदल महीने में पहुंचूंगा कैसे लंबी दूरी, कैसे लंबी दूरी, फागुन शुक्ला पंचम तिथि में 10 दिन रह गए सारे, इस दुख से मेरे स्वामी अब तुझ बिन कौन उबारे, अब तुझ बिन कौन उबारे, जागो 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 जगन्नाथ जी, यदि पहुंच न पाया विपद पड़ेगी भारी, विपद पड़ेगी भारी, ठीक समय यदि पहुंच न पाया विपद पड़ेगी भारी, विपद पड़ेगी भारी, नहीं तू जा पति वर सकती हो सती साध्वी नारी, सती साध्वी नारी, पति वर सकती हो सती साध्वी नारी, सती साध्वी नारी, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है हे सब जाननहारे, इस दुख से मेरे स्वामी अब तुझ बिन कौन उबारे, अब तुझ बिन कौन, किसको व्यथा सुनाऊं,
जागो जागो जगन्नाथ प्रभु, छोड़ द्वार कहाँ जाऊं। जागो जागो जगन्नाथ प्रभु, छोड़ द्वार कहाँ जाऊं। भारी से भारी विपदा भी तेरे आगे है बोनी, महाप्रबल होनी को भी तुम कर सकते हो अनहोनी। महाप्रबल होनी को भी तुम कर सकते हो। कलावतीपुर पहुंच गया तब करुणा देख निहार। कलावतीपुर पहुंच गया तब करुणा देख निहार। प्रार्थना करते करते नींद आ गई और जब जगा सुबह देखा तो अपनी ससुराल कलावती पहुंच गया, 400 किलोमीटर दूर पहुंच गया। तेरे दरबार आली की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। फैलाया जिसने भी अपना दामन तेरे दरबार में मालिक, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। पता नहीं चला सोया था जगन्नाथ जी के द्वार पर, और जब जगा सुबह देखकर हैरान हो गया, ये महल मकान, ये देखा देखा सा शहर लग रहा है। क्योंकि एक ही बार आया था पहले शहर में, जब दूल्हा बन के कभी आया था ससुराल में, उसके बाद तो आने का मौका ना मिला। इधर ये सब हो गया, पहचाना पहचाना सा लग रहा, जैसे कि शहर को मैंने कभी देखा। जग करके पूछा, भाई ये कौन सी नगरी है? तो लोगों ने बताया कि तुम पागल हो गए हो, यहां आए हो, यहां की नगरी के बारे में नहीं जानते। अरे कलावतीपुर है। हैरान हो गया, ये कलावतीपुर, ये सामने जो महल सा दिखाई दे रहा किसका भाई? अरे यहां के सेठ का है, गंगाधर कर्ण का ये महल है। अब प्रभु की करणों का देख कर निहाल हो गया, धन्य प्रभु, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। मैं सोच रहा था एक महीने की यात्रा कैसे 7 दिन में पूरी करूंगा, आपने तो 7 पल नहीं लगाए, पल झपकते ही पहुंचा दिया। रघु ने उठकर देखा सन्मुख गंगाधर का महल खड़ा, समाचार भीतर जब पहुंचा सुन सबका दिल दहल गया। समाचार भीतर जब पहुंचा सुन सबका दिल दहल पड़ा। अकस्मात रघु का आना सुन सांप सूंघ गया, तब सबको अन्नपूर्णा अति खुश हुई, धन्यवाद दिया तब प्रभु को। अन्नपूर्णा अतिशय खुश हुई, धन्यवाद दिया। अन्नपूर्णा को पता लगा, बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि इधर ये भी रात भर रोती रही जगन्नाथ भगवान से, प्रार्थना करती रही, प्रभु मेरा समाचार मेरे पति तक पहुंच जाए, आप कैसे भी मेरे पति को मेरे पास भेज दो, मुझको यहां से ले जाए। इधर वो प्रार्थना कर रहे थे रघु, इधर उनकी पत्नी अन्नपूर्णा भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के चरणों में रो रो कर गिड़ गिड़ा करके प्रार्थना कर रही थी। समाचार सुनते ही प्रसन्न होगी, लेकिन घर वालों ने जब समाचार सुना, अकस्मात रघु का आना सुन सांप सूंघ गया, तब सबको ये मुसीबत कहां से आ गई।
चार दिन के बाद बेटी का विवाह, ये मुसीबत कहां से आ गई, मरा भी नहीं, अब क्या होगा। सबने सलाह की अब होगा जो होगा देखी जाएगी, लेकिन एक बार घर तो ले आए भीतर, लोग देख लेंगे पहचान लेंगे, एक बार घर में छुपा दे इसको, बाद में देखेंगे क्या करना है। लोक लाज वश गंगाधर तब रघु को भीतर ले आया, नहला कर पहना कर कपड़े रुचिकर भोजन करवाया, गंगाधर सेठ अपने जमाई को भीतर तो ले आए, उसको नहलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, रुचिकर भोजन कराया, लेकिन अंदर सबके द्वेष छिपा था, बाहर से मीठी मीठी बातें कर रहे थे और अंदर सबके द्वेष का विष भरा था, मानो सोने के घड़े में विष भरा, बाहर से सोना और अंदर से रोना। फिर एकांत कक्ष में जाकर लेट गया रघु बिस्तर पर।